हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल मटन स्टार्टर की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर टेस्टी और जायकेदार मैंने इस मटन स्टार्टर को बनाकर दिखाया है। आप आने वाली बकरा ईद में एक बार इसे जरूर ट्राई करें। सभी को ये मटन स्टार्टर की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड, तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मटन स्टार्टर बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम बोनलेस मटन लिया हुआ, जिसे धोकर अच्छे से तैयार कर लिया। इसकी पीसेस इस तरह से आपको छोटी छोटी लेना है, बहुत बड़ी नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया और एक हरी मिर्च को पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सारा मटन कुकर में ऐड करने के बाद जो मसालों का पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और आधी टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 4-5 टेबल स्पून भरकर इसमें दही ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले मटन को हमें अच्छे से पकाकर तैयार कर लेंगे कुकर में। ये बहुत ही ज्यादा जायकेदार स्टार्टर बनता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुकर को लीड लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक मटन को अच्छे से पका लेंगे। मटन को आपको 100% तक नहीं पकाना है, थोड़ी सी इसमें हम कसर रखेंगे। तो चलिए फिर इसे हम पकाकर तैयार कर लेंगे। 4 सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा कर लिया। देखिए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी इस तरह से रहने देंगे। इसमें अभी थोड़े से मसाले और ऐड करना है। अगर आप इतनी ग्रेवी रखेंगे तो इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़े से मसाले इसमें अलग से ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ये कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून काला नमक है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली हुई है, 1 टीस्पून यहाँ पर चाट मसाला पाउडर, 1 चुटकी इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 3 टेबल स्पून भरकर इसमें मैदा भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में। ये देखिए मटन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर टूथपिक वाली सीख ले ली है, आप चाहे तो इससे बड़ी भी ले सकते हैं। अब इसी सीख में सारे मटन को अच्छे से इस तरह से हम इसमें लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से सारा मटन अच्छे से लगाकर तैयार करके पैन में तेल को अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसमें हम ये मटर कांडी स्टार्टर को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम पर ये टेस्टी मटन स्टार्टर बनता है फ्रेंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह से नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 4-5 मिनट फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से काफी अच्छे से क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट इसे फ्राई कर लिया, ऊपर से काफी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा इसे यहाँ नहीं फ्राई करेंगे। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप इसे गर्मा गर्म दही वाली हरी चटनी के साथ सर्व करें। सभी को ये टेस्टी मटन स्टार्टर की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेंगे और इसे गर्मा गर्म हम इस तरह से सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम पर बकरा ईद स्पेशल मटन स्टार्टर बनकर तैयार है। तो आने वाली बकरा ईद पर आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। पर मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।